महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे 2 दिवसाच्या नंदुरबार जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. त्यांच्या उपस्थितीत अक्कलकुवा तालुक्यातील भगदरी व मोलगी येथे विविध कार्यक्रम झाले. तसेच दुसऱ्या दिवशी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नंदुरबार येथे येऊन एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाच्या सेंट्रल किचन सेडला भेट दिली. यावेळी राज्यपालांनी विद्यार्थ्यांसमवेत आहाराचा आस्वाद घेत विचारपूस केली. तसेच आश्रमशाळा व एकलव्य मॉडेल स्कूलमध्ये आयोजित कार्यक्रमातून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमात नंदुरबार जिल्ह्यात आलेल्या राज्यपाल कोश्यारी यांचे आदिवासी संस्कृती व वाद्याने स्वागत करण्यात आले. ठिकठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने राज्यपालांचे औक्षण करण्यात आले. या कार्यक्रमानिमित्त आयोजित पारंपरिक साहित्यांच्या प्रदर्शनाला भेट देऊन राज्यपालांनी कलाकृती पाहून कौतुक केलं. महिला सक्षमीकरणासोबत पुरुषांच्या मनात महिलांविषयी सन्मानाची भावना निर्माण व्हावी, तसेच हिंगणघट सारख्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी समाजातील वाईट प्रवृत्तींविरोधात लढण्याचे सामर्थ्य युवक युवतींमध्ये निर्माण करण्याचं आवाहन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलं. या संवाद कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचं राज्यपालांनी उत्तर दिलं. या प्रसंगी खासदार डॉक्टर हिना गावित, आमदार डॉक्टर विजयकुमार गावित, आमदार शिरीषकुमार नाईक, राजभवनाचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भारुड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, प्रकल्प अधिकारी वसुमना पंत आदी उपस्थित होते. अब प्रधानमंत्री ने क्या रखा है कि अगले 5 साल में जब हमारे हिना जी दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? आप कहोगे तो लड़ेंगे. तो जब दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे तो तब तक हमारी कोशिश यह है कि 2025 तक हर घर में कुएं से नहीं बल्कि नल से पानी, नल खोला ही उठे पट 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 पानी आ रहा कर करे. तो कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं. अच्छी सड़कें बनाना, अच्छी चीजें बनाना, अच्छे विद्यालय बनाना. इतने आश्रम विद्यालय, आज मैं कितने आश्रम विद्यालय में चला गया हूं. बहुत अच्छे आश्रम विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, प्रदेश की सरकार चला रही है. हमारी कोशिश है कि लोग आगे बढ़ने चाहिए, लोगों को खूब आगे काम करना चाहिए. अब आजकल लोग खेती करना पसंद नहीं करते, गाय पालो को तो गाय पालना पसंद नहीं करते. आपके किन किन के घर में गाय है? हाथ खड़ा करो यार, क्या डरते जैसे क्यों? आदिवासी तो डरते ही नहीं है. अब आप बताओ गाय पालने का क्या फायदा होता है? माताओं बहनों, मैं आपसे बताता हूं. मेरी माँ उस पहाड़ में 100 गाय पालती थी, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरी माँ. और मेरी माँ 30 गायों को एक दिन में ऐसे दूती थी. तो उसका लड़का क्या बन गया? बोलो, जोर से बोलो ना, राज्यपाल बन गया. अगर आप भी खूब बढ़िया ढंग से गाय पालोगी, आपका बच्चा भी थोड़ा स्कूल से आकर के गाय की सेवा करेगा, तो आपका बच्चा क्या बन जाएगा? राज्यपाल. अरे राज्यपाल नहीं बनेगा, आपका बच्चा तो प्रधानमंत्री ही बन जाएगा.